नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जिसमें हम आपको हमेशा से ऐसी खबरें देते आए हैं जिसके बाद, जिस खबर को देखने के बाद आप जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। आपकी एक शिकायत रहती है, हमने देखा है कि रातों रात के दौरान एक ही लोग बोलते हैं, दूसरे लोग नहीं बोलते हैं। चलिए आज से दोनों बात होगी, अभी से दोनों बात होगी। आज जो हमारे पास खबर है, बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाली खबर है, और उसी बात के चलते जो है बिहार में राजनीतिक जो स्थिरता थी वो डिस्टर्ब हो गई है। कहीं ना कहीं बिहार का जो एक ढंग से चल रहा था, सरकार बन रही थी, गतिरोध तो होता ही है जब पक्ष विपक्ष बने हैं। तो एक कहावत है कि जब दो बर्तन एक जगह होता है तो उसमें खनक की आवाज आती है, बर्तन टकराने की आवाज आती है, आप कितना भी आराम से रख लीजिए। तो सरकार की तो स्थिति यही है, गठबंधन में है, सभी को एक ही जगह रहना, किसी को पक्ष की भूमिका में, किसी को विपक्ष की भूमिका में। लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ है, घटना की चर्चा करेंगे, लेकिन घटना के बाद बिहार में राजनीतिक गतिरोध जो है वो सामने आ गया है। तो इस पूरे गतिरोध पर क्या कुछ मामला है, क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम बदली है बिहार की, इसके बारे में बताएंगे हमारे सहयोगी और वरिष्ठ रिपोर्टर है विशाल यादव। क्या कुछ हुआ है आज? जी बिल्कुल सुमन, जिस तरह से लगातार खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार और जदयू और बीजेपी के बीच में जो तल्खी बढ़ी है अरुणाचल के मामले को लेकर के, लग नहीं रहा है कि 5 सालों तक सरकार चलेगी। वही आपको एक नाम मैं रिवील करना दूं कि जिसके कारण नीतीश कुमार की कुर्सी जा सकती है, वो नाम है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। क्योंकि वीआईपी में जो खतरा मंडरा रहा है, टूट हो सकती है, टूट होगी पार्टी में। क्योंकि जिस तरह से श्याम रजक ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया था कि श्याम रजक ने साफ साफ ये बताया था कि वीआईपी जो पार्टी है उनके कुछ विधायक हमारे संपर्क में है, तो इसे साफ साफ समझ सकते हैं टूट होने वाली है उनके पार्टी में। जी बिल्कुल विशाल, जैसा कि देख सकते हैं आप कि भारत लाइव के कैमरे के सामने ही लाइव इंटरव्यू के दौरान वीआईपी पार्टी के कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका इस्तीफा गिरना शुरू हो गया। बिल्कुल, अब तो भारत लाइव के जो डिजिटल फॉर्मेट पर जो हमारे जो शो जा रहे हैं, एपिसोड्स जा रहे हैं, उसके कमेंट में भी आकर के इस्तीफा गिरने लगा है वीआईपी से। तो आप समझ सकते हैं कि वीआईपी पार्टी के भीतर जो गतिरोध है, उसका लेवल जो है, उसका जो स्तर है, कितने उच्च स्तर से वहाँ जो है गतिरोध चल रही है वीआईपी पार्टी के अंदर। अगर आप ये बात, अगर श्याम रजक जो पहले कह रहे थे भारत लाइव के कैमरे पे, भारत लाइव के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में श्याम रजक जो दावा कर रहे थे कि बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में तो सत्यता नजर आ रही है। भारत लाइव की टीम ने तो मुहर भी लगा दी, लाइव शो के दौरान ही उनके पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दे देते हैं भारत लाइव के कैमरे के। नीलम सिन्हा नाम है उनका, जो हमारे संपादक नमन मिश्रा के साथ लाइव इंटरव्यू में इस्तीफा दे दिया। और मुकेश सहनी पे बड़ा आरोप लगाया है, वो आरोप मैंने आपको दिखाया था, तमाम हमारे जो चैनल, हमारे जो वीडियोस में आपने देखा होगा, ये आरोप है कि 10 लाख रुपया मांगा गया था उससे टिकट के बदले में कि जब आपको टिकट मिलेगा 10 लाख रुपया देना होगा। जी सुमन, जो कहीं ना कहीं विशाल, एक और मैं बड़ी बात बता दूं, आज जब भारत लाइव की टीम और मैं व्यक्तिगत रूप से जब वहां जा करके राहुल तिवारी की मैं बात कर रहा हूं, उनके साथ राजद के कदावर नेता है, उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से वीआईपी के ही मेंबर जो है, वीआईपी के ही पदाधिकारी है, वीआईपी के ही कार्यकर्ता हैं, कैमरे के सामने आकर के, भारत लाइव की टीम के सामने आकर के सभी बातों पर अपनी बात रख रहे हैं, बेबाकी से बात रख रहे हैं, उससे उन्होंने इस बात का जो पीठ में खंजर घोंपने वाला बात आपको याद है? जी बिहार विधानसभा चुनाव से, बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी महागठबंधन, उस दौरान पीठ में खंजर घोंपने वाली बात आई थी, मीडिया जगत हैरान रह गया था, तेजस्वी यादव खुद भी हैरान रह गए थे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब जब उनकी पार्टी के लोग यानी कि वीआईपी के लोग आकर के कह रहे हैं कि ये बातें स्क्रिप्टेड थी, उसके बाद राहुल तिवारी ने जो इस पर रिएक्शन दिया है वो बहुत खास है। राहुल तिवारी ने कहा कि हमें भी नहीं पता था, हम लोग भी इस बात की चिंता में थे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जब भी सीट शेयरिंग की बात होती है जी, महागठबंधन में या राजद में हो, एनडीए में हो, किसी भी दल में हो, जी, जब भी सीट शेयरिंग की बात होती है वो तो पहले हो जाती है, पहले दौर चलता है, बैठकों का दौर, सीट शेयरिंग पर सहमति बनती है, हर चीज पर सहमति बन जाती है, और जब लास्ट में सब कुछ जब एक होता है, क्या है, जब आपको खीर बनाना है, चावल लाइएगा, दूध लाइएगा, चीनी लाइएगा, गैस लाइएगा, आग जलाने की व्यवस्था कीजिएगा, सब कुछ डाल करके जब खीर पक जाती है तब तो आप जाएंगे
लगे किसी को बताने के लिए, तो परोसा जाता है आदमी को कि इस डिश को बनाने में ये रेसिपी लगी है। बिल्कुल। तो महागठबंधन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो तो ये कह रही थी, राहुल तिवारी का ये कहना था कि उन्होंने जो किया अब तो व्यक्तिगत अब तो साफ हो गया। राहुल तिवारी ने कहा अब तो साफ हो गया, जब वीआईपी के ही कार्यकर्ता वीआईपी के ही नेता कदावर करा जो वीआईपी के फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे वे सभी लोग आकर कैसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये सारी बातें तो साफ हो गई। और मैं आपको बता दूं आज राजद के नेत्री से मैंने बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो बाजार बना करके घूम रहे हैं, तमाम जो खरीद फरोख्त का बात सामने आया है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो तो बिकाऊ है। वो इस तरह से तमाम जो अभी विवाद चल रहा है उनके जो नेता है वो खुद कह रहे हैं लाइव, तो आपने देखा कि हमारे चैनल पे देखा कि किस तरह से इस्तीफा गिर रहा है, तो लगातार जो खबरें सामने आ रही अंदर खाने की खबर है ये जी। तो कहीं ना कहीं जब आपने राजद की चर्चा छेड़ दी है तो हम दर्शकों को एक बड़ी बात बता दें, राजद जो है इस हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं राजद, जैसे हम बाबा के माध्यम से खबर बता रहे हैं आपको, बाबा का ये दावा है और बाबा जो राजद के कदावर नेता है बड़े मजबूत स्तंभ है राजद के, उन्होंने इस बात पर जो है अपनी मुहर भी लगा दी है, उन्होंने नजर फिराना भी शुरू कर दिया है कि क्यों, देखिए बात क्या है नजर फिराना क्यों शुरू किया ये भी बात स्वाभाविक है राजनीतिक दृष्टिकोण से। बिल्कुल। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राजद जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी लेकिन सत्ता से दूर है, ऐसे में नीतीश कुमार जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो चार पायों वाला है, चार पाय वाला तो कुर्सी होता भी है और वास्तव में भी इस बार चार पाय वाला है। एनडीए के मौजूदा गठबंधन स्वरूप को देख लीजिए, एक ओर भाजपा है, जदयू है, हम है और वीआईपी है, और सीटों का मार्जिन इतना कम है इस बार जो सरकार बनाने में जी, एक भी पिलर अगर हिलती है तो सत्ता में उलटफेर हो सकती है, हो सकता और राजद की नजर वहां जाके पड़ गई है। राजद जो है चाह रही है कि किसी भी कीमत पर कोई भी राजनीतिक सहमत को लगा करके इस बात को यानी कि वीआईपी में जो हो रही है जो गतिरोध उसका फायदा उठा रहे। राजद ने सुमन यहां तक कहते कि मुकेश सहनी मंत्रालय नहीं दुकान चला रहे हैं, राजद ने दुकान चलाने की बात कही, लेकिन राजद के जो करावर नेता है जो राजद के लिए रणनीति बनाते हैं उनका साफ तौर पे मानना है कि जैसे ही मुकेश सहनी की पार्टी हो, हम की पार्टी हो या फिर जदयू हो और भाजपा हो, देखिए राजद अभी हर तरफ चौतरफा गेम खेल रही है। बिल्कुल। सीधे तौर पे देखिए कि जिस तरह से जदयू दो पायों के बीच में जो फ्रंट के दो पाए हैं एनडीए के, राजद और हम माफ कीजिएगा जदयू और भाजपा, जदयू और भाजपा में जिस तरह की तलखी बढ़ी हुई है, राजद ने वहां एक ऑफर फेंक दिया नीतीश कुमार के लिए, भले ही देखिए नीतीश कुमार उनकी पार्टी के लोग भले ही उस बात को खारिज कर रहे हो, खारिज ऑप्शन के तौर पर तो देख रहे हैं नीतीश कुमार, उस पर तो कहीं ना कहीं दिल के भीतर विचार तो कर रहे हैं जी, भाभी ने ये ऑफर दिया है और भी लोगों ने कदावर नेताओं ने पुराने साथियों ने इस बात का ऑफर दिया है, जनता दल जब गठन हुआ था जिस समय नीतीश कुमार थे लालू प्रसाद यादव तो उस समय के नेताओं ने उस समय के साथियों ने ऑफर दिया, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं विचार तो कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए हमने जैसा कि कहा मार्जिन इतना कम है कि एक भी पिलर अगर हट जाए कुर्सी, देखिए चार मंगा जाएगा कुर्सी है, एक पैर हम तोड़ करके भेज दें तो कुर्सी तो गिर जाएगी, गिर जाएगी। तो बस राजद को ये फॉर्मूला पता है, वीआईपी में जिस तरह से गतिरोध हुआ है, भारत लाइव के कैमरे पर जिस तरह से इस्तीफा गिरा है, राजद इस बात की कोशिश में लग गई है, बड़ी खबर दे रहे हैं राजद इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह मुकेश सहनी के पार्टी यानी कि वीआईपी के विधायकों को तोड़ा जाए, सेंधमारी किया जाए, सेंधमारी जैसे ही होगी कुर्सी तीन पायों वाली कुर्सी नहीं बचेगी, नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, गिर जाएगी। जी बिल्कुल, इसके लिए राजद लगे हुए है और राजद यहां तक की बात है लालू प्रसाद यादव से अगर बात कराने की बात हो तो उसके लिए भी वो जो रणनीतिकार हैं राजद के बड़े नेता हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं, रणनीतिकार हैं, बाबा के साथ एक्सक्लूसिव उनकी बातचीत हुई थी, बाबा के माध्यम से हमारे पास खबर आई थी, ये अंदर खाने की खबर है, भीतर खाने की खबर है, कहीं आपने नहीं देखा होगा, अभी लगे हुए हैं कि लालू प्रसाद यादव से बात कराने की नौबत आए तो करवा देंगे, कुछ भी करना पड़े करवा देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके दम लेंगे, सेंधमारी करके मानेगी जी, एक बड़ा मौका है मुकेश सहनी की पार्टी में जिस तरह से गतिरोध बढ़ा है, जिस तरह से विरोध की भावना जो सभी कार्यकर्ता में जागृत हो गई है, सभी लोग हम अब देखिए इस विरोध का आलम यह है कि भारत लाइव का कोई वीडियो जा रहा है, भारत लाइव का कोई एपिसोड जा रहा है, कमेंट में भी आकर के सुमन एक बात और सोचने वाले जो निषाद समाज की बार बार वो बोलते हैं राजनीति करते हैं, निषाद समाज उनसे नाराज है, उनके जो कार्यकर्ता वो बोलते हैं कि नई पार्टी बनाने का ऐलान भी तो भारत लाइव के चैनल पे हो गया है, 2000 लोगों ने फोन कर दिया है। अब तक देखिए इधर से हमारे साथी जो है और हम बात करें हमारे संपादक वो भी कह रहे हैं कि अब तक 2000 से अधिक लोगों ने भारत लाइव के नंबर पर जिस नंबर पे आप यूपीआई करते हैं जाके आप आर्थिक सहयोग करते हैं
करते हैं उस पे जो है कॉल आ गया है 2000 से अधिक लोगों का। आप ही लोग में से कॉल करते हैं। हमारे इनपुट के आधार पर हमारे संपादक नमन मिश्रा ने पंचनामा में जो बातें चलाई थी उसे सत्यापित करने के लिए जो वीआईपी के कोर कमेटी के लोग हैं वो आ गए सीधे तो वो आके इंटरव्यू दे रहे हैं यहां पे, वो आकर के कह रहे हैं इस्तीफा दे रहे हैं लाइव में। तो कहीं ना कहीं राजद इस बात पर अब केंद्रित हो गई है कि वीआईपी जो है अभी एनडीए का सबसे कमजोर पिलर है, सबसे कमजोर खंभा है, पाया एनडीए की कुर्सी का। अगर इस खाया को इस पाया को जो है अगर थोड़ा खाई करके उसे जो है पाया को जो तोड़ दिया जाए या फिर गड्ढे में ढकेल दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस पाया के भीतर भी अगर की मिट्टी निकाली जाए तो सरकार गिर जाएगी, कुर्सी गिर जाएगी और राजद ये लगता है करके ही दम लगी मजबूत इच्छा शक्ति की बात। यहीं पे नीतीश कुमार कमजोर होते नजर आ रहे हैं जिस तरह से लगातार जो खबरें आ रही है, लगातार जो हमारे चैनल ने आपको दिखा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। निषाद समाज के जो नेता है वो खुद नाराज है मुकेश सहनी से, लगातार जो हम बता रहे हैं वहाँ हमारे साथ आ रहे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं बैठ करके और कह रहे हैं उनके साथ नहीं रहना है। तो आप सोच रहे हैं किस तरह से नाराजगी है। चलिए जाते जाते एक बार फिर से मुकेश निषाद जो कि वीआईपी के फंडिंग में बड़े नेता कदावर नेता रहे हैं, अब तो वीआईपी से बगावत कर चुके हैं जी। उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि उनके जो मुखिया आते हैं वो ऐसे इंडस्ट्री से आते हैं जहाँ सब कुछ नकली होता है, जो तीन घंटा में ब्याह होता है, तीन घंटा में सुहाग रात, बच्चा पैदा होता है, सब कुछ तीन घंटा में। ये आपने बड़ी बात कही थी तो उन्होंने मुकेश निषाद ने कही थी, मैंने नहीं कही। तो रातों रात में अब आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। देखिए क्या कुछ है समीकरण कि राजद जो है केंद्रित हो गई है अब जो है कुर्सी को, कुर्सी के जो पाए हैं उसको हिलाने के लिए डगमग डगमग कर रहा है, जो है राजद करने के लिए तैयार है। देखिए बड़ी बात है, आने वाले समय में आपको बिहार की राजनीति में ये बात दिखेगी। बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। जो नंबर पे वीआईपी के कार्यकर्ता कॉल कर रहे हैं 2000 से अधिक, वहाँ आप जाकर के कॉल नहीं तो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, UPI नंबर है हमारा। बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।